जा छोटू, चल घूम के आते हैं। जगह यही है ना? यही जगह है। ए, ये कैसा मुंह बनाकर बैठा है? तुझे किडनैप किया है, कुछ तो रिएक्शन दे। कहीं तेरा बाप कोई खतरनाक आदमी तो नहीं? अरे बोलना, डरा मत। जानू, ये बच्चा तो बड़ा क्यूट और गोलू मोलू है, मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, इसे गोद ले लें क्या? क्या खाओगे गोलू? चॉकलेट, आइसक्रीम, लॉलीपॉप? मैं बोर फील कर रहा हूँ, मुझे डोरेमोन देखना है। अरे इसे हमने किडनैप किया है और ये बोर फील कर रहा है। पापा, पापा का फोन है। हेलो सर जी। हाँ, हम आपकी बताई जगह पर पहुंच गए हैं। कहाँ हैं आप? हाँ आइए, मैं यहीं हूँ। बस देखते जाओ, तुम लोग जल्दी ही जेल के अंदर सड़ोगे। क्यों बे? तेरा बाप कोई जेलर है क्या? मेरे पापा जेलर नहीं है, लेकिन मैं बड़ा होकर जेलर बनूंगा। जेलर बनेगा तू कान के नीचे। पता नहीं इसका बाप इसे कैसे झेलता होगा। आजा। सीधा जा, लेफ्ट में आइसक्रीम की दुकान है। ये ले, खा लेना। नो थैंक्स। आपकी किस्मत आपके हाथ में होती है, ये बात मुझे अब समझ में आ रही है। टाइम अच्छा चल रहा है, जितना हो सके कमा लो। ये तो सिर्फ ट्रेलर है बेटा। यहाँ आने से पहले तुम्हें और भी कई कंपनियों में रिजेक्ट किया गया है। जी सर। क्योंकि तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। ब्लैकलिस्ट? हाँ, तुम्हें कंपनी के साथ लीगली डील करना होगा, वरना तुम्हें नौकरी मिलना लगभग नामुमकिन है। सॉरी। तो इसमें इतना उदास होने वाली क्या बात है? तू भी हमारी तरह बस आराम कर। ए, तू चुप रह। सुनना, तू अपनी कंपनी पे केस कर, जो होगा देखा जाएगा। सुन जानू, अब ये भी अपनी टीम में आने वाला है। मुझे भी टीम में शामिल कर लो। आजकल मेरे पास कोई काम नहीं है। ये काम तू नहीं कर पाएगा। आंख बंद करके भरोसा करना होगा और दिमाग को कौवे की तरह तेज करना होगा। क्या एग्जांपल दिया है जानू? मुंह बंद कर। ओए चला जा, तुझसे नहीं होगा। अबे हट बे, दिक्कत नहीं चलता। मैं इन दोनों झिंगुरों से ज्यादा स्मार्ट हूं, दिमाग ज्यादा चलता है मेरा। ए बोलना। हाँ तू बात तो सही कह रहा है, लेकिन ये करना क्यों चाहता है? हमारी कमाई अभी तो शुरू हुई है, थोड़ा सा इंतजार कर ले, तब तक दूसरी नौकरी मिल जाएगी। बॉस, अपनी सीधी सी बात होती है, कोई भी काम करने से पहले 1000 बार सोचता हूँ और फैसला लेने के बाद पीछे नहीं हटता। ये किसका फोन बज रहा है? रिंगटोन सुनी भी लगती है। बॉस आपका बज रहा है। तू कितना बड़ा डफर है यार। उस बच्चे का फोन तो मेरे पास ही रह गया। बॉस उठाओगे काटोगे? जहाँ छोड़ा था वही मिलना, कचरे के डिब्बे में फोन मिल जाएगा। सर प्लीज फोन मत रखिएगा। सुनिए सुनिए, मैंने फोन के लिए कॉल नहीं किया, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी। कॉल ट्रेस कर रहा है क्या? अगर आप मुझसे कहते तब भी मैं पुलिस के पास नहीं जाता, मैं सच कह रहा हूँ। सर, हेलो, हेलो सर, सर क्या चाहिए तुम्हें? मुझे आपके किडनैप करने का तरीका बहुत अच्छा लगा, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए जिस तरह से आप डील करते हो वो कमाल है। पॉइंट टू पॉइंट बोलना। ओके सर, मैं चाहता हूं कि आप मेरा एक काम करते। सॉरी, हम बाहरी लोगों के लिए काम नहीं करते। चला फोन रख, क्या समझा? कोई बात नहीं सर, कम से कम डील तो सुन लीजिए। मेरी ऑफर सुनने के बाद आपको अच्छा ना लगे तो आप मत कीजिएगा, लेकिन अगर आप मुझसे मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं तो मैं आपको 50,000 दूंगा, और अगर आपने मेरा काम किया तो पूरे 2 करोड़ दूंगा। जरा सोचिए। हम लोग तो उससे नहीं मिल सकते, तू हम लोग से मिलने आ। अरे ये पट्टी क्यों मांग रहे हो? क्या भाई, क्या सोच रहा है? कुछ नहीं यार। चेहरा क्यों उतरा हुआ है? अच्छा, शादी के लिए लड़की चाहिए? अरे शादी की उम्र तो तेरी है। मैं तो किडनैपिंग से थोड़ा माल कमा लूंगा, उसके बाद शादी करूंगा। भाई दहेज कम भी मिले तो चलेगा, लेकिन लड़की एकदम टकाटक होनी चाहिए, साथ में चले तो जोड़ी अच्छी लगे। तू बता तेरा क्या प्लान है, करेगा या नहीं करेगा?
हाथ पीछे बांधने के लिए बोला था ना? मैंने तो पीछे ही बांधे थे। हाँ वो तो दिख ही रहा है। ए, मैं इंदु पे नहीं मारने का। हाथ पीछे ही तो बांधे थे। क्या हम पहुंच गए? हाँ पहुंच गए, पहुंच गए। जिस आदमी ने मुझसे फोन पर बात की थी। हाँ बोल, तेरे सामने हूँ। हेलो सर, मुझसे मिलने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तूने कहा था हमसे मिलने पर 50,000 देगा। हाँ हाँ मैं लाया हूँ। हाँ परेशान मत हो, मैं खुद ही निकाल लेता हूँ। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम भरोसेमंद यादव। भरोसेमंद यादव? जी हाँ यही मेरा नाम है। हाँ तो यादव जी मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? मैं चाहता हूँ आप किसी को किडनैप करें, वैसे ही जैसे मेरे बेटे को किया था। काय को? सच बताऊं तो मैं किसी से बदला लेना चाहता हूँ। उसकी वजह से मुझे 2 करोड़ का नुकसान हुआ, पूरा बिजनेस बर्बाद हो गया, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उठाना किसे? मिनिस्टर साहब सदानंद भोसले के बेटे को। पहला रूल, पावरफुल लोगों से दूरी रहने का। सॉरी सर, आप ये नहीं कर सकता। सर क्यों नहीं कर सकते? 2 करोड़ का मामला है। कुछ नहीं मालूम तो बोल मत। क्या मालूम नहीं है? चिंदी चोरी वाली किडनैपिंग करेंगे तो बेल के लिए भी पैसे नहीं रहेंगे। ए, जरा कम बोल। अरे हमको वही कर रहा है जो कर रहे हैं, समझा करो यार। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मिले तो चूहे बिल्ली वाला खेल छोड़ देंगे ना यार। ए, सर आप ये नहीं कर सकता। ए, पहलवान जा इन्हें छोड़ कर। सर अरे क्या करा, क्या करा, ऐसा मत कर। अबे तुम लोगों के अंदर किडनैपिंग मैनर है कि नहीं? चला छोड़ उसको। अब तो इसने सबके थोबड़े देख लिए हैं, तो बेहतर है कि इसकी बात मान लो। कोई जरूरत नहीं है। ए पहलवान, अगर इसे पता ही नहीं है कि ये कहाँ है तो आप उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दही सर चेक नाके से राइट लेने के बाद बोरीवली से लेफ्ट लिया, फिर एसवी रोड से लेफ्ट लिया और फिर चामुंडा सर्कल से दूसरा राइट मारा, उसके बाद सीधा चलकर पहला राइट मारा और उसके बाद तीसरा लेफ्ट मार के 2 सिग्नल के बाद फिर से राइट मारा। उस गली में चौथी बिल्डिंग, यही पता है ना आप लोगों का? बॉस इसके पास तीसरी आंख है। तीसरी आंख से ही तो देख पाएगा ना। सुनाई नहीं देता, जा बैठ। सर प्लीज, सर प्लीज मेरा काम कर दीजिए। सर मैं सारी जिंदगी आपका एहसानमंद रहूंगा। देखिए मैं यहाँ बड़ी उम्मीद के साथ आया हूँ। चलिए प्लीज प्लीज। भाड़ में गया ये मास्क। प्लीज सर देखिए, किसी को उसके गुनाहों की सजा मिलनी चाहिए। हम ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठ नहीं सकते। उसने हमें घूस लेने के लिए बुलाया और पुलिस में पकड़वा दिया। सर मानता हूँ आपका काम गलत है, लेकिन उसमें भी उसूल है। उनका काम भले ही सही हो पर वो धोखेबाज हैं। उन्होंने हमें धोखा दिया है, मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद कर दी। प्लीज सर आपके अलावा और कहाँ जाऊंगा मैं? अब अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाने का टाइम आ गया है। अब तो अपनी हीरोगिरी का जलवा दिखाई दो। कोशिश करके देखते हैं। अपने पास रूल नंबर 5 तो है ही, फंसे तो सरेंडर कर देंगे। जब भी डाउट में होता हूं तो फैसला ऊपर वाले पर छोड़ देता हूं। मैं इस सिक्के से टॉस करूंगा, अगर हेड आया तो आगे बढ़ेंगे, वरना इस मीटिंग के बारे में सब कुछ भूल जाएंगे। ठीक है? हाँ। ए बजरंगी टेबल लेकर आ। हेड्स, बता 2 करोड़ में तेरा हिस्सा कितना होगा? मुझे 1 पैसा नहीं चाहिए सर, आप सारे पैसे रख लीजिए। मुझे उस धोखेबाज आदमी को सबक सिखाना है, बस इतना ही। उसका नाम क्या है? उसका नाम है चिन्मय भोसले। माँ क्या हुआ, भूख लगी है? मैं सोच रहा हूँ सिगरेट पीना छोड़ देता हूँ। माँ मैंने कहा था ना इसकी 7:30 उतरने वाली। ऐसा नहीं है माँ, बिजनेस करने की सोच रहा हूँ, वो अच्छा नहीं लगता ना। तू सच कह रहा है बेटा? कैसा बिजनेस? वो तो डिपेंड करता है ना कि पापा पैसे कितने देंगे। 5 लाख रुपए देंगे तो पान की दुकान ही खुल पाएगी, शोरूम थोड़ी ना खुलूंगा। तू सच कह रहा है बेटा, लेकिन अपने पापा से सब साफ साफ बता दे, वरना तू जानता है उन्हें झूठ से कितनी चिढ़ है। माँ मैं तो साफ साफ ही बोल रहा हूँ, इन्हीं के दिमाग में गोबर।
जिंदगी में क्या करना है तुमने इसके बारे में सोचा है? नहीं, तुम कभी नहीं सुधरोगे। पापा बिजनेस शुरू करना है, थोड़े पैसे चाहिए थे। पहले अपने दम पर कुछ कमा के दिखाओ, फिर बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचो। समझ गए? बाप दादा की कमाई खाते हो फिर भी कौड़ी भर की अकल नहीं। मैं पैसे मांग रहा हूँ, लेक्चर दे रहे हो। सर हमें मीटिंग के लिए देर हो रही है। अभी तक जिंदगी में 2 रुपए कमानी, बिजनेस स्टार्ट करने चला ये कथा। माँ क्या है बेटा? पापा बिजनेस के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं, मैं सिगरेट पीने जा रहा हूँ। बेटा सुन तो। आज सुबह ये भाई दुकान पर गए, 12 चाय पी, 18 सिगरेट फूंकी, 4 समोसे खाए और उसके बाद 2 ब्रेड ऑमलेट। फिर दाना पानी बीच पर जाकर लेट गए और कुछ सोचकर समंदर में पत्थर मारने लगे। फिर चाय की दुकान पर गए, 13 सिगरेट फूंकी और वापस घर चले आए। बीच में एक जगह वाला पाव भी खाया। मंत्री का बेटा है फिर भी उसके साथ कोई बॉडीगार्ड नहीं? उसके साथ कोई बॉडीगार्ड या सिक्योरिटी नहीं रहता, वो ऑटो और बस में इधर उधर भटकता है। इसे किडनैप करने के लिए प्लान की जरूरत नहीं है, चाय की टपरी से उड़ा लेंगे। क्या बात है, तो चले। गाड़ी यही रोक दूं या बगल वाली गली में? हाँ गाड़ी यही रोक दे, जब वो ऐसे ही भटकता है तो हम उसे कहीं भी पकड़ सकते हैं। अब तो गुंडे मवाली भी फिल्म बनाने लगे। कौन है ये? विरार लोकल में जेब काटा करता था, अपने आप को डॉक्टर बोलता है। डॉक्टर? हाँ जेब काटने वाला डॉक्टर। ये तो फिल्मों का डायरेक्टर लगता है, पागल है। अच्छा बॉस इसको जानते हो क्या? हाँ जानता हूँ, ले संभाल कर रख, जरूरत पड़ सकती है। ये मंत्री इस वक्त घर पर कैसे? सवाल ही पैदा नहीं होता, 9 बजे के बाद तो उसकी कार भी नहीं दिखती। ए, तूने तो कहा था कहीं भी अकेला आता जाता है। सिर्फ एक दिन उस पर नजर रखी थी। चल निकल ले, हम इसे आज नहीं उठाएंगे, किसी और दिन उठाते हैं। उसकी कार हमारे पीछे क्यों आ रही है? अबे हम उसके आगे हैं। दोनों में फर्क क्या हुआ? रहने दे, तू नहीं समझेगा।